टू माई चैनल। सो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप एक स्पॉटलेस ग्लोइंग क्लियर इवन टोन ब्राइट स्किन अचीव कर पाएंगे जस्ट लाइक अ ग्लास स्किन। तो अच्छा, ग्लास स्किन होती कैसी है? जिस पे कोई एक्टिव एक्ने ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, टैनिंग ना हो, पोर्स लेस विजिबल हो और इवन स्किन हो, स्मूथ टेक्सचर हो एंड स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर, मीन्स रेड हॉट और जो बम्पी स्किन होती है वैसी स्किन ना हो। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप जो कुछ भी यूज़ करेंगे वो स्किन रिएक्शन ज़रूर देगा। और मोस्टली इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका स्किन बैरियर डैमेज ही है, एज एक्ने ट्रीटमेंट्स लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, एडापिलिन, ट्रेटिनोइन बहुत हार्श ड्रग्स हैं एंड वो अगर सही से यूज़ ना किए जाएं तो आपकी स्किन का बैरियर डैमेज कर देते हैं। तो स्किन बैरियर को स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो कैसे करते हैं वो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी सबसे पहले अगर आपकी स्किन पर एक्टिव एक्ने हैं वो पश्चूस वाले, तो उसे ट्रीट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एज अगर आप ब्राइट स्किन करने वाले या पिगमेंटेशन रिमूवल वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अगर यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन के एक्ने को फर्दर इंक्रीज करेगा, विच विल फर्दर लीड्स टू स्किन पिगमेंटेशन एंड डैमेज स्किन बैरियर। सो स्टेप वन इज़ टू ट्रीट योर एक्टिव एक्ने, उसके लिए आप बेंजोइल पेरोक्साइड, एडापिलिन ये सब यूज़ कर सकते हैं। देन स्टेबलाइज योर स्किन बैरियर, क्योंकि पिगमेंटेशन रिमूवल ड्रग्स भी हार्श होते हैं लाइक विटामिन सी, कोजिक एसिड, एसिलिक एसिड। अगर ये आप अपनी रेड स्किन, यू नो जो एक्ने वाली स्किन होती है, अगर वो चले भी जाते हैं एक्ने, उसके बाद आपको स्टेबलाइज करना अपना स्किन बैरियर बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुरंत ही आप ये सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करने लगेंगे तो वो आपके स्किन बैरियर को बहुत डैमेज करेगा और आपकी बम्पी स्किन हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेबलाइज योर स्किन बैरियर, देन गो फॉर पिगमेंटेशन रिमूवल ड्रग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर आपके एक्टिव एक्ने नहीं हैं बट इस तरह का स्किन कंजेशन है, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न इज डैमेज्ड स्किन बैरियर, लाइक आपने हार्श ड्रग्स लगा के अपना बैरियर डैमेज किया है यूजिंग ट्रेटिनोइन, AHAs, BHAs, विटामिन सी ऑल इन द सेम रूटीन, और इसे आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया जिससे आपका स्किन संभाल नहीं पाई है एंड लीड्स टू दिस प्रॉब्लम। सेकेंड रीज़न विल बी आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट रीज़न में आपने अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट कर दिया है तो उसे आपको सूद और काम करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड रीज़न इज़ कि आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ही नहीं करते हैं एंड आपके पोर्स क्लॉग्ड हो चुके हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। डैट मीन्स कि अब आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हम रीज़न टू को टैकल करेंगे। प्रॉब्लम वन जो कि डैमेज्ड स्किन बैरियर की है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो अब हम रीज़न टू पर आते हैं कि आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं विच लीड्स टू स्किन कंजेशन। तो ऑब्वियसली अब आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एक्सफोलिएशन लाइक यूजिंग दोज शुगरी स्क्रब्स और यू नो हनी शुगर एंड एप्रिकॉट स्क्रब्स, जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, और मैंने भी ये फिजिकल एक्सफोलिएशन अपने स्कूल डेज में बहुत यूज़ किया, यू नो डैट एवर यूथ का एप्रिकॉट स्क्रब। बट प्लीज़ गाइस, डू नॉट यूज़ फिजिकल एक्सफोलिएटर्स, वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है। मैं ये गलती कर चुकी हूँ, एप्रिकॉट स्क्रब वगैरह यूज़ करने से मेरी स्किन में फर्दर पिगमेंटेशन हुआ है एंड मेरी स्किन पे यू नो ओपन पोर्स बहुत विजिबल हो चुके थे थैंक्स टू ट्रेटिनोइन। अब वो विजिबल इतने नहीं है, मैंने 2 साल तक ट्रेटिनोइन यूज़ किया है थैंक्स टू डैट, अदरवाइज बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गया था। सो डोंट गो फॉर फिजिकल एक्सफोलिएशन, गो फॉर केमिकल एक्सफोलिएशन, वो बहुत बेस्ट होता है। अगर आपने कभी भी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ नहीं किया है सो जस्ट डोंट वरी, मैं जो ऑप्शंस बताऊंगी वो बहुत सेफ हैं, एक और जैसे मैं बताऊंगी वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी पर्जिंग वगैरह नहीं होगा और बहुत ईजिली वो आपकी स्किन को, आपकी स्किन बहुत ईजिली उसे अडॉप्ट कर लेगी। सो अगर हाँ, लेकिन अगर आपका डैमेज्ड स्किन बैरियर है, मीन्स अगर आपको फील होता है कि आपकी स्किन रेड हॉट है, कुछ बम्प्स हैं, मतलब सन में जाते ही एकदम रेड हो जाती है, तो प्लीज़ आप ये एक्सफोलिएटर्स मत यूज़ करिए। डैट मीन्स आपकी स्किन सूदिंग और कामिंग इंग्रेडिएंट्स आपसे मांग रही है, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस। बट अगर आपका जो सेकंड रीज़न है हम उसी पे आते हैं कि केमिकल एक्सफोलिएशन कैसे करते हैं। फर्स्टली केमिकल एक्सफोलिएशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट क्लॉग्ड पोर्स के लिए बेस्ट सैल्सिलिक एसिड होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। सो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। सैल्सिलिक एसिड आपके पोर्स में डीप डाउन जाता है और सारी गंक, ऑयल,
को बाहर लाता है एंड आपकी स्किन एकदम क्लीन कर देता है। ये धीरे धीरे आपकी स्किन की ऊपर की जो लेयर होती है उसे पील करता है एंड फ्रेश स्किन को बाहर लाता है, जिससे आपके जो स्पॉट्स हैं वो भी लाइट होते हैं, स्किन इवन टोन होती है और ब्राइट लगती है। ऐसे ये आपकी फ्रेश स्किन को बाहर लाता है, तो आप अपनी फ्रेश स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा बाय मॉइस्चराइजिंग एंड अप्लाइंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो आपको वैसे भी अप्लाई करनी ही चाहिए नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, बट अगर आप इस तरह से एक्सफोलिएशन यूज़ करते हैं सो प्लीज़ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। डबल लेयर लगाइए सनस्क्रीन की जब बाहर जाइए और अपना चेहरा यू नो प्रोटेक्ट करके रखिए सन से। प्लीज़ 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 मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से करिए अपनी स्किन को। जो पील होती है वो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बट उसे यू नो निकालिएगा मत, जस्ट आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करिए और वो धीरे धीरे अपने आप पील हो जाएगी। तो सैल्सिलिक एसिड के प्रोस तो मैंने आपको बता दिए, बट इट इज़ अ बिट ट्रिकी एट द सेम टाइम। अगर आपने इसे अच्छे से यूज़ नहीं किया देन इट कैन डैमेज योर स्किन बैरियर एंड फर्दर लीड्स टू स्किन डार्कनेस। तो आपको इसे बहुत केयरफुली यूज़ करना है, मैक्सिमम ट्वाइस और थ्राइस अ वीक यूज़ करना है, बट स्टार्टिंग में प्लीज़ ट्वाइस अ वीक से ही स्टार्ट कीजिए और पैच टेस्ट ज़रूर करिएगा। तो पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देती हूँ एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ दैट। फर्स्ट टू आर मेडिकेटेड ऑप्शंस एंड ये पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, दोनों आपको अंडर 200 मिल जाएंगे। सो फर्स्ट वन इज़ जिट केयर एस जेल। इसमें आपको सैल्सिलिक एसिड की कंपोजिशन 1% मिल जाएगी और रेस्ट ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स इस पर मेंशन नहीं है, विच इज़ अ कॉन। एंड आई सजेस्ट इफ़ यू आर बिलो 16 तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एज ये बहुत माइल्ड है। इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट वेट है। व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं इसे अपने चीक्स पे लगा करके रात में सो जाती थी और मैं अल्टरनेट डेज इसे यूज़ करती थी। इसमें फ्रेग्रेंस एडेड है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट से एलर्जी है या फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो डो नॉट गो फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोप्सिलिक ऑइंटमेंट। इसमें सैल्सिलिक एसिड का कंपोजिशन 3.5% है, विच इज़ हाइएस्ट, एंड इसमें स्टेरॉयड भी एडेड है, क्लोबेटासोल प्रोपेनेट, बट वो आपकी स्किन को सूथ करने के लिए डाला गया है, एज सैल्सिलिक एसिड से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। बट एज इसमें स्टेरॉयड है फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसे ट्वाइस इन अ वीक से ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। ये अपना काम परफेक्टली करता है। इसका टेक्स्चर थोड़ा ऑयली है, लाइक ऑब्वियसली ये ऑइंटमेंट है तो इसका टेक्स्चर वैसा ही है, बट इट इज़ वर्थ एवरी पैनी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनिमलिस्ट सैल्सिलिक एसिड 2%। इट कॉस्ट मी ₹550 एंड इसमें पैराबेंस, सिलिकॉन्स, फ्रेग्रेंस, सल्फेट, डाइज कुछ भी एडेड नहीं है। ये सीरम बेस्ड है एंड अगर आप 18 और 18 अबव हैं तो आप इन दोनों में से मीन्स प्रोप्सिलिक एंटमेंट या फिर मिनिमलिस्ट का सैल्सिलिक एसिड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। इनफैक्ट अगर आप बिलो 18 हैं तो भी आप मिनिमलिस्ट सैल्सिलिक एसिड सीरम को एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट ऑन द फुल फेस। इसका टेक्स्चर बहुत लाइट है, यू कैन सी लाइक वाटर। अब मैं इसे अपनी सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन पर कैसे यूज़ करती हूँ जिससे मुझे इसका पूरा बेनिफिट भी मिलता है एंड विदाउट एनी इरिटेशन। सो फर्स्ट आई यूज़ अ हाइड्रेटिंग माइल्ड क्लेंजर। प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट स्क्विकी क्लीन जो आपकी स्किन को कर देते हैं एकदम टाइट, वैसे क्लेंजर पे जस्ट यूज़ हाइड्रेटिंग क्लेंजर, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन अ यू नो एक्सफोलिएशन रूटीन। नाउ आई एम गोना स्प्रे सम रोज वाटर, यू कैन ऑल्सो स्प्रे सम सिंपल प्लेन वाटर, क्योंकि हमें मॉइस्चराइजर हमेशा अपनी डैम्प स्किन पर लगाना चाहिए, दैट्स वाई आई एम यूजिंग रोज वाटर। एंड देन आई यूज मॉइस्चराइजर ऑन माई डैम्प स्किन। आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइजर मैं 5 to 10 मिनट्स का वेट करती हूँ एंड देन एक थिन लेयर अपने सैल्सिलिक एसिड सीरम की और प्रोप्सिलिक ऑइंटमेंट की लगाती हूँ, एक बिल्कुल थिन लेयर। एंड या आई डू दिस ओनली एट नाइट, एंड अगर मुझे नीड लगती है तो मैं फर्दर मॉइस्चराइज कर लेती हूँ लाइक अ सैंडविच मेथड, नहीं तो मैं एज इट इज़ उसे रहने देती हूँ। आई यूज सैल्सिलिक एसिड जस्ट वंस इन अ वीक, नॉट ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस इन अ वीक मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती हूँ जिससे मैंने यू नो ग्लास बेबी सॉफ्ट स्मूथ स्किन अचीव की है, यू कैन सी। तो मुझे ऐसा सच नीड नहीं लगता कि मैं सैल्सिलिक एसिड को ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करूँ, बिकॉज ट्रेटिनॉइन ऑलरेडी आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पोर्स को भी अनक्लॉक करता है। दिस इज़ द ब्रांड विच आई यूज़, दैट इज़ वाई अगर मैं सैल्सिलिक एसिड को ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करूँगी तो वो फर्दर मेरी स्किन को यू नो ओवर एक्सफोलिएट करेगा, दैट इज़ वाई आई डू नॉट यूज़। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।